स्वामी जी दिख रहे हैं, तो स्वामी जी से मैं पूछना चाहूंगी, स्वामी जी क्या कभी आप बागेश्वर धाम गए या फिर धीरेन्द्र शास्त्री की कोई ऐसी सभा में आप शामिल हुए, उनकी कथा को आपने सुना? हाँ, 2020 में मैं गया था धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ। तो वहाँ पर क्या कुछ अजीब लगा आपको, कुछ अजीब दिखा, संदेहास्पद दिखा, जिसकी वजह से आप उनका विरोध कर रहे हैं, या फिर वो जो भी चमत्कार करने का दावा करते हैं या जो आज वो पुण्य का काम कर रहे हैं कन्यादान का, उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन है? हाँ, कुछ अजीब रहा। मेरा मध्य प्रदेश का वो था, मैं झलोखर भी गया था उस टाइम, और फिर झलोखर से इनके यहाँ गया बागेश्वर धाम। वो कुछ अजीब इसलिए लगा कि जो हमारी सनातन संस्कृत में नहीं होना चाहिए। अभी आप एक शब्द कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम कर सुनावे। जब महावीर का नाम सुनते ही भूत पिशाच नहीं आते, तो फिर वहाँ पे आदमी नाच रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। उसके बारे में बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है। बालाजी में अपने आप होता है वो आप इस चीज को देखें, ध्यान से देखिए, एनर्जी डिस्टर्ब है। और बालाजी के दर्शन से बाबा के आशीर्वाद से आपको डिस्टर्ब है, आप इस लड़के को करना नहीं पड़ता, इनको करना नहीं पड़ता। भूत पिशाच का कुछ देख लिए, प्रोजेक्ट के मत सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन बागेश्वर धाम लेकिन बागेश्वर धाम में इस वक्त क्या चल रहा है, हमारे संवाददाता ने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। हर पंडाल के बाहर एक सेवक की ड्यूटी लगाई गई है जो हर इंतजाम देख रहे हैं। आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, क्या क्या देखने को बोला गया है? हम लोग को यहाँ पे पूरे पंडाल में जितने वर वधु पक्ष हैं उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था हो चुकी है, कितनी वधु तैयार हो चुकी है, नहीं हुई है, कौन वर पक्ष आ चुके हैं, इन सब की संपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए हम लोग को गुरुदेव से आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें हम लोग अपने कार्यरत हैं। और मैं देख रहा हूँ बिल्कुल हाईटेक है मामला, बिल्कुल वायरलेस के साथ है, एक एक इंतजाम चेक किया जा रहा है। नया इंडिया है, नया भारत है, नया भारत है जी। और इंतजाम कैसा है, बाकी इंतजाम आप लोग कैसा है? बाकी इंतजाम सभी बहुत अच्छे रखे हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद से इस बुंदेलखंड के महा उत्सव में आज एक इतिहास रचने जा रहा है, जिसमें 121 वर वधु अपने जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हैं, और आज महाशिवरात्रि के पर्व पर ये बहुत ही पावन पुनीत उत्सव है। तो ठीक है, और आप देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखाता चलूं, राजू इस तरफ से चलिए और देखिए तस्वीरें देखते चलिए। पंडाल में वर और वधु का आना शुरू हो चुका है, परिवारों का आना शुरू हो चुका है, तैयारियां पूर्ण होती नजर आ रही है, दोनों तरफ लोग आ चुके हैं और पंडालों में पंडालों के सजने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बागेश्वर धाम, मध्य प्रदेश। तो सुना आपने, लगातार वहां लोग पहुंच रहे, अलग अलग तरीके से अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, क्या ये जो सारी चीजें हैं, इन सब पर जो चर्चा है, सब सारी बातें अपनी जगह हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे विवाह समारोह हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कथावाचक ऐसा पहले ना हुआ हो, ऐसा नहीं है कि कोई बाबा ना हुए हो, लेकिन क्या सारी की सारी बहस इसलिए है कि एक बाबा ने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं, क्या ये वजह है कि खेमे पट गए? क्या ये वजह है कि आज सनातन संस्कृति को मानने वाले भी अलग अलग तर्क गढ़ रहे हैं? इस स्टूडियो में भी हम वो सवाल देख रहे हैं, वो जवाब देख रहे हैं। मैंने शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी, जो पूरी के शंकराचार्य जी, उनसे दीक्षा लिया, और उन्होंने पिछले साल इस बात की घोषणा करी थी कि आने वाले 3.5 साल में भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र होगा। ये केवल धीरेन्द्र शास्त्री जी की आवाज नहीं है, इस देश के एक एक संत, एक एक सनातनी की आवाज है। तो निशाने पर धीरेन्द्र शास्त्री ही क्यों? निशाने पर तो मेरा प्रश्न है। नहीं, निशाने पर धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है, हर मनी से हो रहे हैं। निशाने पर उन लोगों के जिन लोगों ने कभी इस बारे में आवाज नहीं उठाई। निशाने पर तो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, शंकराचार्य जी भी कर रहे हैं, शंकराचार्य जी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी वो नहीं किया, शंकराचार्य जी कर रहे हैं। आपने सही कहा, आपकी बात मानता हूं, आपकी बात मैं बता रही हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या TV9 भारतवर्ष के किसी चैनल को निमंत्रण दिया? हम लोग खुद आपने वो किसी को, वो ना ही किसी राजनेता को निमंत्रण देते हैं। उन्होंने आज